जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरे जो वीडियोस होते हैं वो उन लोगों के लिए होते हैं जो जिनके पास पैसे नहीं है गार्डनिंग करने के लिए, पर वो गार्डनिंग तो करना चाहते हैं। आपको बहुत ही सस्ते में कुछ ना कुछ जुगाड़ू काम बताती रहती हूँ, जैसे कि मैंने आज आपको ये बहुत ही सस्ते तरीके में और घर में ही मैंने आपको ये जैसे बाजार में लेने जाते हैं उस तरह का डिजाइनर गमला बनाना सिखाया है इस वीडियो में। देख सकते हैं मैंने जो ये गमला बनाया मैंने इसके मदद से बनाया, ये बहुत ही छोटा सा मात्र मुझे 20 रुपए में मिला हुआ गमला है और इससे मैंने इस साइज के गमले बनाए जो कि मैं मात्र 20 रुपए से हजारों गमले बना सकती हूँ, चाहे जितने चाहूँ उतने डिजाइन के गमले तैयार कर सकती हूँ, आप भी ऐसे तैयार कर सकते हैं। और गमला बनाना बहुत ही आसान होता है, बस आप वीडियो को बिना स्किप करे मेरे साथ लास्ट तक जरूर बनिए और वीडियो को जरूर देखिए। सबसे पहले हम लोग फर्श में एक पॉलीथीन बिछा लेंगे ताकि हमारी फर्श खराब ना हो। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं ये दो गमले यूज करके बहुत ही डिजाइनर सा गमला बना के आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे बनाते हैं। ये दोनों मैंने यूज किए हुए हैं, ये दोनों गमले क्या करेंगे जब भी चूज करेंगे तो इसमें कम से कम 1 इंच का गैप होना चाहिए, हमें ये देख कर लेना है। और इसके बाद मैं इसमें ऑयल लगाऊंगी। ऑयलिंग के लिए मैंने इसमें ब्लैक काला तेल यूज किया हुआ है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये जो काला तेल होता है ये वेस्टेड ही होता है, जैसे बाइक की सर्विसिंग कराने जाओ तो वहाँ पर मिल जाता है, तो मेरे पापा को मिलता है तो मैं उसी का यूज कर लेती हूँ। और मैं ऑयलिंग कॉटन की मदद से कर रही हूँ, आप ज़रूरी नहीं कि काला तेल का यूज करें, आप किसी भी तरह का ऑयल लगा सकते हैं, बस 2 या 4 चम्मच आपको डालना है। उसके बाद कॉटन में डिप करने के बाद आपको अच्छी तरह से सब में दोनों में एक में अंदर से लगाना है एक में बाहर से लगा लेना है। अब आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत अच्छे से ऑयलिंग कर ली है, ऐसे आपको भी कर लेनी है। हमें बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं करना है, मुश्किल से 2 या 3 चम्मच में हो जाता है, आप कोई भी ऑयल इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं अब आपको मेजरमेंट बता रही हूँ कि आपको कितना क्या यूज़ करना है। मेजरमेंट के लिए मैं इसमें 3 कटोरे रिवर सैंड का यूज़ कर रही हूँ और मैं 2 कटोरा इसमें सीमेंट डालूंगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे डाल लीजिएगा। इसमें 3rd पार्ट इसमें रिवर सैंड का है और 2 पार्ट इसमें सीमेंट का है, इसी अकॉर्डिंग आपको डालना है। आप देख सकते हैं इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, मैं इसमें पानी डालूंगी। हमें इसे पानी डाल के बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसका टेक्स्चर ना बहुत ज़्यादा गीला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा, मीडियम रखना है। आप देखते चाहिए, मैं आपको सिखा रही हूँ बहुत अच्छे से। आप जब भी इसको मिक्स करें तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप ग्लव्स जरूर पहनें, मेरे पास है नहीं इसलिए मैं नहीं पहन रही हूँ। इसे हम अच्छे से ऐसे मिला लेंगे। हमें इसे इस टेक्सचर का बना लेना है, इसके बाद मैं इसमें ये मसाला जो भी मैंने बनाया है इसको इसमें डाल दूंगी। इसके बाद मैं क्या करूंगी, जिससे मैंने इसे मसाला डाला है मैं उसी में इसको उठा के ऐसे रख लूंगी ताकि जो भी इसका टेक्सचर बाहर गिरे तो नीचे फर्श ना खराब हो, इसी में गिरे। और इसके बाद मैं इसको अच्छे से ऐसे दबा दूंगी, उसके पहले मैं इसमें रेत भरूंगी और इसमें मैं वेट के लिए इसमें रिवर सैंड भर रही हूँ। आप जरूरी नहीं रिवर सैंड भरें, अगर आपके पास नहीं है तो आप सॉइल का भी यूज कर सकते हैं, आप उससे भी भर देंगे। और इसके बाद बिल्कुल आराम से इसको मैं प्रेस कर दूंगी। मैंने इसे अच्छे से दबा दिया है और मैं इसी सिचुएशन में इसे 7-8 घंटे के लिए छोड़ दूंगी और उसके बाद मैं इसका ऊपर वाला पार्ट निकालूंगी। अब आप देख सकते हैं मुझे इसे जमाए हुए 7-8 घंटे हो गए हैं, इसलिए मैंने इसकी सारी की सारी रेत हटा दी है। अब मैं इसे आराम से उठा लूंगी, पहले हम इसे ऐसे ऐसे पुश करेंगे।
इसलिए पुश कर रहे हैं ताकि उसमें जो जोड़ बन गया वो आसानी से खुल जाए और बहुत ही आराम से इस गमले को उठा लेंगे। अब आप देख सकते हैं मेरा गमला कितना ज़्यादा सुंदर और अच्छी डिज़ाइन का जम के तैयार हो गया है। और इसी टाइम में इसमें स्क्रू ड्राइवर से इसमें होल कर दूंगी, आपको भी इसी टाइम कर देना है क्योंकि अभी ये ढीला होता है और आसानी से इसमें छेद हो जाएगा। अब मैं अपने गमले को उल्टा करके देखिए बहुत ही आसानी से और आराम से निकाल दूंगी और कितनी ज़्यादा सुंदर डिज़ाइन इसमें बनकर तैयार हुई है। अब आप देख सकते हैं मैं इसको इसी सिचुएशन में उठा के इसमें पानी भर के रख दूंगी टोटल 5-6 दिन के लिए। देख सकते हैं मैंने इस गमले को अपने बाकी बने हुए गमलों के साथ में पानी भर के यहाँ पे रख दिया हुआ है। अब मैं इसे 4-5 दिन के लिए पानी भर के रखूंगी। हमें 4-5 दिन के बाद बहुत ज़्यादा दिन के लिए पानी भर के नहीं रखना है। और जो इसमें होल था उसमें आप मिट्टी लगा दीजिएगा, अगर आप मिट्टी लगा देंगे तो आपका पानी निकलेगा नहीं और मिट्टी आसानी से निकल जाती है। तो इसके बाद पानी भरने के बाद हमें क्या करना है कि इसको अच्छे से ड्राई कर लेना जब ये 4 दिन हो जाए इसमें, क्योंकि उससे पहले अगर हम बिना सूखे ही पानी निकाल के तुरंत प्लांट लगा देंगे तो उसको सूखने का समय नहीं मिलेगा और वो मजबूत नहीं होगा। आप ये देख सकते हैं ये जो मेरे गमले कितनी अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं। अब आप इसे चाहे जैसे ठोकिए पिटिए, ये कभी टूटने वाले नहीं। इसमें मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत पौधे लगे हैं। ये जो कि मेरे खुद के बनाए हुए गमले हैं और ये मैंने डिजाइनर गमला जो कि बनाया हुआ है इसको भी ऐसे ही मैं बनाऊंगी। अब मैं इसके बाद इसको ड्राई करने के बाद कलर करके इसमें प्लांट लगा दूंगी। देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप ये गमला बनाएं तो जो मैंने आपको टाइमिंग बताई है कि किस टाइम इसको बाहर निकालना है, किस टाइम इसमें क्या करना है, तो आप टाइमिंग का ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि टाइमिंग से अगर आप बनाएं, क्योंकि मैंने बहुत सारे गमले बनाए तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है कि टाइमिंग कैसे क्या होती है, कितने दिन बाद इसको निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उससे मेरे कभी गमले ख़राब नहीं होते हैं और बहुत आराम से निकल के तैयार हो जाते हैं। देख सकते हैं मैंने कितना अच्छा डिज़ाइनर गमला बना के तैयार किया हुआ है। और भी इसमें कलर करने के लिए मैं अभी इसमें वाइट सीमेंट का यूज कर रही हूँ। आप भी चाहें तो वाइट सीमेंट कर सकते हैं, वरना आप सूखने के बाद इसमें डायरेक्टली पेंट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर हम वाइट सीमेंट पहले कर देते हैं तो इससे ये फ़ायदा रहता है कि हमारा गमला और ज़्यादा स्मूदनेस हो जाती है और जैसे कि इसमें के ऊपर पेंट करेंगे या कोई कलर लगाएंगे तो वो फिर बहुत ज़्यादा निखर कर आएगा और बहुत ज़्यादा शाइनिंग लगेगी गमले में। इसलिए हो सके तो आप भी वाइट सीमेंट इसमें पहले कर दीजिएगा। आप लोग देख ही रहे होंगे कि गमले बनाने का बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड होता है। अगर हम लोग यही गमले बाहर मार्केट में लेने जाते हैं तो हमें 500-600 रुपये तक के गमले मिलते हैं और घर में हम फ्री में 500-600 रुपये में 25-30 गमले बना के तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप घर में बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मैंने मेरे घर में टोटल जितने भी गमले हैं सब खुद ही बना के तैयार किए हुए हैं। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।